फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं पाव का उपमा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पाव को झटपट कट कर लेंगे। गरम हो गया है, इसमें हम ऑयल छोड़ देते हैं थोड़ा सा इस तरह से। बस ऑयल डालने के बाद इसमें हमें तुरंत हरी मिर्चें डाल देनी इस तरह, और हमने कुछ सरसों के दाने रखे हैं इन्हें डाल देंगे। आज हमारे पास जो भी घर पे अवेलेबल है उसी के द्वारा हम ये बना रहे हैं। तो ये बस ये हो गया है, ये चटकने लग गया है। तो इस स्टेज पे देखिए हमने कुछ मसाले रखे हैं, हल्दी, कश्मीरी मिर्ची पाउडर और नमक, इसे डाल देंगे। इसे भी कुछ देर तक हम मिक्स कर लेंगे इस तरह, पूरा मसाला इंजॉय कर लेंगे। इसी के साथ हमने कुछ पीनट्स रखा है क्रश्ड, सिंगदाना, मूंगफली भुनी हुई, बस इसे 2 मिनट तक मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। बिल्कुल मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब हमने देखिए जो पाव के पीसेस कट किए हैं उन्हें इस तरह से बड़े आराम से डाल देते हैं ये सारे पाव के पीसेस, और इसे बिल्कुल हल्का हल्का चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे आराम के साथ। बढ़िया मिक्स हो गया है, इसपे कितना बढ़िया कलर आ गया। और ये ना देखिए कितना सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल कड़क नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है। इसे आराम से सब बच्चे बड़े सब खा सकते। अब इसके ऊपर से ना नींबू निचोड़ लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इस पे धनिया वगैरह डाल सकते हो। आज हमारा धनिये का स्टॉक खत्म है, अब हमें लेके आना है, इसलिए हमने आज यूज नहीं किया है। तो देखिए ये हमने डाल दिया है इसके ऊपर से नींबू, और इसे थोड़ा सा और चलाते हैं और इसे हम सर्व कर देते हैं खाने के लिए। हमारा पैन पाव उपमा बन के रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे अभी बनने के बाद बहुत देर नहीं चलाना है वरना ये कड़क हो जाता है और बर्न हो जाता है, तो उसका स्वाद निकल जाता है। बस इतना ही इसे मिक्स कीजिए बस, और इस तरह सॉफ्ट रखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, चाय के साथ आप खाइए। तो इस तरह से आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, ये सबको पसंद आती है, बच्चे बड़े। और हमारे पास कभी कभी हम पाव भाजी की ट्रीट करते हैं, कभी कभी पाव लेफ्ट हो जाते हैं, तो उसे फ्रिज में रखिए और तुरंत दूसरे दिन इस तरह बना के खाइए, ताजा ताजा आपके पाव भी यूज हो जाएंगे और एक अलग डिश भी हमें मिलती खाने को। तो गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। चलिए एक और रेसिपी में इसी तरह आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।